एनडीए गठबंधन के लोग चुनाव में लगे हैं और वही दूसरी ओर गठबंधन के लोग चुनाव में लगे हैं और वही दूसरी ओर नमस्कार, मैं रिया रजक और आप देख रहे पीटीएन न्यूज। आइए आपको बता दें, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब नीति मामले में गिरफ्तार किए जाने के विरोध में आम आदमी पार्टी पटना के बीजेपी कार्यालय पर प्रदर्शन करने जा रही है। तो पहले आप ये देखें, एनडीए गठबंधन के लोग चुनाव में लगे हैं और वही दूसरी ओर इनका कहना है कि प्रदर्शन किस वजह से हो रहा है। चंद्राचार गति छोड़। अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय पर धरना देने जा रहे थे। पुलिस के द्वारा जा रहा है, पुलिस के द्वारा रोका जा रहा है, आचार संहिता का हवाला दिया जा रहा है। लेकिन हम लोग ये कहना चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी को तो गिरफ्तार कर लोगे, लेकिन घर घर से अरविंद केजरीवाल निकलेगा और घर घर गांव गांव से अरविंद केजरीवाल निकलेगा। और ये मोदी जी की जो है ये ईडी मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी जी एक तरफ तो चुनाव लड़ रहे हैं, इनका जो दूसरा गठबंधन है, जो हिडन गठबंधन है ईडी सीबीआई के साथ, वो लोगों को विपक्ष के नेताओं को परेशान कर रही है और ठीक चुनाव से पहले पकड़ पकड़ के उनको जेल में डाल रही है। तो इससे बढ़िया है कि चुनाव ही मत करवाएं, चुनाव मत करवाएं। वो तो 400 पार का जो नारा देते हैं वो तो इसे। तो जैसा कि आप देख रहे थे, पटना के बीजेपी कार्यालय पर आम आदमी पार्टी प्रदर्शन करने जा रही थी। मौके पे पुलिस उन्हें इनकम टैक्स चौराहे पर रोक ली है और पर आम आदमी पार्टी चौराहे पर ही जोर जोर से हंगामा कर रही है और पीएम मोदी के खिलाफ नारेबाजी भी लगा रही है। और आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं का आरोप है कि विपक्ष पार्टियों को झूठे आरोपों में गिरफ्तार किया जा रहा है। आगे की खबरों के लिए बने रहे पीटीएन न्यूज़ के साथ। वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।